दोस्तों, आपने आम और इमली की खटमिट्ठी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे अमरा की खटमिट्ठी, जो कि है बेहद स्वादिष्ट और काफी लाभप्रद। अमरा की खटमिट्ठी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ ये 1/2 kg अमरा। अमरा के काफी फायदे हैं, जैसे इसमें भारी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इस वजह से ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार होता है। ये हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन में भी मददगार होता है। ये बोन हेल्थ को इन्हांस करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है और डाइजेशन में भी काफ़ी मददगार होता है, इसलिए अमरा का सेवन ज़रूर करें। हमने अमरा काट लिया है, अब हम इसे इस तरह से धो लेंगे और इसे चलनी पर डाल देंगे ताकि इसमें पानी न रह जाए, इस तरह से। और हम इसे 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद हम इसे एक प्लेट में डाल लेंगे, इस तरह से। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे जरा सा तेल, 5 फोरन, एक बार इसे चला लें। अब हम डालेंगे इसमें हींग और ये खड़ी लाल मिर्च, एक बार इसे चला लें। अब हम इसमें डालेंगे ये अमरा, जो हमने काट के धो के सुखा के इसे रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 tablespoon नमक, 1/2 tablespoon हल्दी पाउडर, 1/2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर। अब एक बार इसे चला लें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 kg चीनी। जितना हमने अमरा लिया था उतना ही हमें चीनी डालना है। अब इसे फिर से ढक दें और चीनी को एक तार का होने दें। जब चीनी एक तार का हो जाए और अमरा अच्छे से पक जाए तो गैस का नॉब बंद कर दें। और इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 से 3 घंटे बाद ये इस तरह का हो जाएगा। अब ये सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस अमरा की चटनी रेडी है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं।
आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। इसलिए इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।